आज का वीडियो बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि इससे तगड़ी अनबॉक्सिंग मैंने इस चैनल पर आज तक नहीं करी है। दिस द एसोस आरओजी ज़ेफिरस डुओ 16। पानी लेके आओ थोड़ा सा। ये जो लैपटॉप है एसुस का सबसे तगड़ा सबसे पावरफुल लैपटॉप है। बेसिकली दिस इज अ गेमिंग बीस्ट। एक तरह जो गेमिंग पीसी होता है ना उसको लैपटॉप के फॉर्म फैक्टर के अंदर डाल दिया है और बॉक्स देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या जबरदस्त यहां पर पैकेजिंग है। जबरदस्त पैकेजिंग जबरदस्त प्राइस के साथ आती है। तो इसकी जो प्राइस है 2.5 लाख रुपए से ऊपर शुरू होती है और मेरे पास जो वेरियंट है 392,000 रुपीज का है और इसको मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं। बहुत महंगा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यही एक रीजन है जिस वजह से शायद मैं बहुत लोगों को रिकमेंड ना कर पाऊं। अपार्ट फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस कैसी है, लैपटॉप कैसा है, इस डब्बे में क्या है, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो भाई लोग बॉक्स इतना बड़ा है कि आज खड़े होकर अनबॉक्सिंग करनी पड़ रही है। चलो शुरू करते हैं, एक करके निकालते हैं इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन सा माल जो है एसुस ने यहां पर भरा है। भाई साहब सबसे पहले तो ये बैग है, शोल्डर बैग। देयर यू गो, नाइस यार, काफी चिल बैग है। इसके अंदर भी कुछ तो लग रहा है मुझे है। नहीं अंदर कुछ नहीं है, अंदर खाली है, अंदर नथिंग, देयर इज नथिंग इनसाइड दिस बैग। नेक्स्ट अप, कहां से शुरू करें, चलो ये निकाल लेते हैं। आरओजी डेल्टा क्वाड डैक गेमिंग हेडसेट। तो ये हेडफोन्स हैं, ऑब्वियसली गेमर्स के लिए लैपटॉप है तो जिन्हें स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी के जो हेडफोन्स हैं वो बॉक्स के अंदर ही मिल जाएंगे। इसकी मैं प्राइस देखने की कोशिश करता, अगर लिखा हो यहाँ पर तो बट नहीं, प्राइस यहाँ पर एक्चुअली बॉक्स के ऊपर नहीं लिखी हुई है। चलो इसको भी रख देते हैं साइड में। तो जी दो आइटम हो गए, अब तीसरा वाला पकड़ते हैं। तीसरा कहाँ से निकालें, ये वाला लेते हैं, बहुत दूर है, एक्सीडेंट होते रहते हैं हमारे स्टूडियो। अच्छा। ये आर्मरेस्ट दिया हुआ है बेसिकली ये लैपटॉप के साथ लगाने के लिए, तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ। थर्ड आइटम कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। चलो तीन आइटम हो गए, चौथा आइटम है जी ये रहा, इसमें चार्जर होगा शायद। ये बहुत बड़ा और भारी सा बॉक्स है जी, बिल्कुल एज आई सेड इसके अंदर है चार्जर। चार्जर में यहाँ रखता हूँ और ये देख रहा हूँ कितना बड़ा और कितना भारी चार्जर है। ओहो ओके ओके, ये खत्म नहीं हुई है बात अभी। यहाँ पर जो है सरप्राइज सरप्राइज, माउस भी है। वाओ दैट इज प्रीटी डोप। नाउ ये बहुत मुझे सही लगी चीज कि यहाँ पर जो है माउस भी दिया हुआ है एसुस ने, तो ये काफी सही है, काफी कूल है, बटन्स भी हैं माउस के अंदर। नाइस नाइस नाइस, नाइसली डन। इसको रख देते हैं जी, डब्बे सारे जो है मैं साथ साथ नीचे रखता जाता हूँ। ये गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 चीजें हो गई हैं, अब कुछ नहीं बचा, अब बस लैपटॉप रह गया, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये लैपटॉप है, डब्बा मैं दिखा देता हूँ अंदर। अब भाई अंदर कुछ नहीं है, पूरा खाली है ये, सब कुछ मैंने निकाल दिया, इसको नीचे रख देते हैं। एंड दिस इज फाइनली आवर लैपटॉप। और ओहो देयर यू गो, द आरओजी ज़ेफिरस डुओ 16, ये यहाँ रख देते हैं। एक ये छोटा सा पाउच और है जिसके अंदर कागजात हैं,
कुछ एसुस माई एसुस ऐप कुछ प्रोडक्ट को लेकर इंफॉर्मेशन है. ओके सो दिस इज नाइस. ये एक कार्ड है डाइंग लाइट 2. ये गेम है जो जो भी इस लैपटॉप को बेसिकली परचेज कर रहा है उसे उसके साथ ये गेम जो है कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है. तो पैकेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो यार कि आप लैपटॉप भले ही 4 लाख का ले रहे हो पर साथ में प्रीमियम हेडफोन्स मिल रहे हैं, एक माउस मिल रहा है, ये आर्म रेस्ट है, काफ़ी कूल सा बैग है और एक गेम भी मिल रहा है. बट इवन देन ओवरऑल पैकेज तो एक्सपेंसिव है ही. अब आगे चलते हैं. तो सबसे पहले लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, इस लैपटॉप की प्राइसिंग. बिकॉज अभी तक जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबके मन में ये सवाल होगा कि यार ये 4-4 लाख के लैपटॉप खरीद कौन रहा है. मुझे भी नहीं पता, मेरे आसपास भी ऐसे लोग नहीं. इनफैक्ट एसुस खुद मानता है इस बात को कि इस तरह के लैपटॉप्स का मार्केट बहुत छोटा है. मतलब अगर 100 लोग इंडिया में लैपटॉप खरीद रहे हैं शायद एक बंदा जाके ये लैपटॉप खरीदेगा. पर वो ये कह रहे हैं कि उस एक बंदे के लिए एक ऑप्शन तो होना चाहिए. चलो आपने कहा हमने मान लिया. खैर अब लैपटॉप की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं डिजाइन से. आरओजी लैपटॉप्स हमेशा से बहुत ज्यादा एक स्ट्राइकिंग लाउड डिजाइन लैंग्वेज के साथ आते थे. यहां पर थोड़ा सा एक सटल डिजाइन लैंग्वेज अप्लाई करने की कोशिश करी है. वो इस चीज से पता चलता है कि अगर जो मैं लिड को देखता हूं यहां पर आरजीबी लाइटिंग नहीं है जो इससे पहले हमने आरओजी लैपटॉप्स में देखी है. ओवरऑल लैपटॉप ऊपर से देखने में अच्छा लगता है बट जो असली चार्म है जब इसको खोलोगे ना भैया तभी पता चलता है. बिकॉज अंदर जो है दो दो डिस्प्लेस यहां पर दिए हुए हैं और ये जो है बहुत ही एक यूनिक एस्पेक्ट है इस लैपटॉप का. अब प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हो जाती है कि जैसे ही आपने दो डिस्प्ले दिए उसकी वजह से जो नीचे का कीबोर्ड है उसे छोटा करना पड़ गया. छोटा करते ही ट्रैक पैड जो है आपका वो एकदम एक कॉर्नर में चला गया और वो बहुत ज़्यादा क्रैम्ड फील होता है. काम करते वक्त लगता है कि ट्रैक पैड बहुत छोटा है. ऑल्सो इसके साथ साथ जो एरो कीज हैं वो भी हाफ साइज़ के हैं, जो मीडिया कंट्रोल कीज हैं वो भी हाफ साइज के हैं. तो इतनी सी स्पेस के अंदर ना बहुत कुछ घुसाने की यहाँ पर कोशिश करी गई है. थोड़ा सा कॉम्पनसेट भी करा है कि चलो नंबर पैड नहीं है तो वो ट्रैक पैड के ऊपर दे दिया. डिजिटली उसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो वहाँ पर नंबर पैड आ जाता है. बट फिर भी मुझे लगा कि ये जो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कीबोर्ड है उससे मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ. पर जो ऊपर की तरफ चीज़ें हैं वो बहुत कमाल की हैं. स्टार्टिंग विद दिस एक यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट लेयर दी है जहाँ से जो लैपटॉप के अंदर का सिस्टम है वो दिखता है और जब आरजीबी लाइट्स जलती हैं तो ये बहुत कूल लगता है. उसके बाद जो दोनों डिस्प्लेज हैं, जो ये सेकेंडरी डिस्प्ले है ये 14 इंच का डिस्प्ले है और इसको भी जब आप ओपन करते हो ना लैपटॉप को तो ये अपने आप स्लाइड होके थोड़ा सा स्लांट हो जाता है, ऊपर उठ जाता है और वो बहुत कूल लगता है. इनफैक्ट वो काम करने के लिए भी एक अच्छा सा एंगल यहाँ पर मिल जाता है. बाकी आपका जो प्राइमरी डिस्प्ले है वो है ही, उसकी बात मैं आगे करूँगा. ओवरऑल जो साइज़ है लैपटॉप का वो काफ़ी बड़ा है. 16 इंच की स्क्रीन है तो जो ओवरऑल साइज है वो भी बड़ा है. प्लस जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, 2.7 kgs. तो इसे बैग में कैरी करना, पहली बात तो भैया बैग जो है ना आपको इसको ध्यान में रख खरीदना पड़ेगा. ऑलरेडी जो बैग है शायद उसमें फिट भी ना आए. मैंने बहुत मुश्किल से अपने बैग में घुसाया है इसको और हर दिन जब मैं इस लैपटॉप के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ मैंने रिग्रेट करा है बिकॉज बहुत भारी लैपटॉप है. और लैपटॉप तो भारी है ही, जो इसके साथ चार्जर आता है वो भी बहुत भारी है. मतलब इतना मोटा ब्रिक है तो बहुत पोर्टेबल लैपटॉप ये नहीं है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना कि अगर गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लैपटॉप ले भी रहे हो एक ही जगह पे रख के ज़्यादा दिन इसे यूज़ करना पड़ेगा, ट्रैवल फ्रेंडली लैपटॉप ये नहीं बोल सकता मैं. बिल्ड क्वालिटी लैपटॉप की बहुत तगड़ी है. लिड भी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये डेलिकेट हो या ब्रेक होने का गुंजाइश हो. जस्ट दैट ये जो सेकंड डिस्प्ले वाला पार्ट है इसके साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. हालांकि एसुस बोल रहा है कि बहुत उस पर वेट भी डाल दोगे तो भी कोई डैमेज नहीं होगा, बट मेरे को डाउट है टू बी ऑनेस्ट. स्पेशली इस फॉर्म फैक्टर में अगर यहाँ पे कुछ भारी रख दिया तो ये डैमेज हो सकता है. बड़े फॉर्म फैक्टर का एडवांटेज ये है कि पोर्ट्स वाइज यू आर कवर्ड. सब तरह के पोर्ट्स लैपटॉप में है. दो टाइप ए यूएसबी पोर्ट है, दो टाइप सी यूएसबी पोर्ट है जिनमें से एक 100 वॉट पीडी चार्जिंग भी सपोर्ट करता है. एक HDMI 2.1 पोर्ट है, एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, ऑडियो जैक भी दिया हुआ है. तो पोर्ट्स वाइज यू आर कवर्ड. जस्ट दैट मुझे ये लगा कि जो चार्जिंग वाला पोर्ट है वो लेफ्ट साइड पर है, उसकी जो पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है. अगर मैं इस तरह से लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो चार्जर लेफ्ट साइड से कनेक्ट होता है, वो कई बार अनॉइंग हो सकता है. इंस्टेड उसकी जगह क्या कर सकता था एसुस, यहाँ बैक साइड पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर भी 3 पोर्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर चार्जिंग वाला पोर्ट दिया जा सकता था तो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता. ओके डिज़ाइन डेफिनेटली पोलराइजिंग है बट डिस्प्ले नो डाउट इसका एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. और दोनों डिस्प्ले की बात कर लेता हूँ.
फर्स्ट ऑफ ऑल 16 इंच का रियल एस्टेट है, इट्स वेरी गुड, बहुत बड़ा स्क्रीन है, चाहे कंटेंट कंज्यूम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वीडियोस एडिट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी बड़ी मेन स्क्रीन मिल जाती है, और मेन स्क्रीन बहुत ब्राइट है, क्वाड एचडी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक का ऑप्शन है यहाँ पर, एंड इट लुक्स ब्रिलियंट, कलर्स बहुत अच्छे आते हैं, रिफ्रेश रेट काफ़ी ज़्यादा, यू नो इट्स वेरी स्मूथ टू यूज़ एज वेल। और जो सेकेंडरी डिस्प्ले है, यह स्पेशली उन लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है जिन लोगों को हमेशा एक स्क्रीन कम पड़ जाती थी, या जिनको यू नो थोड़ा सा हमेशा इशू रहता था कि यार एक स्क्रीन पे कैसे काम होगा, एक्सटर्नल मॉनिटर निकालना पड़ेगा, नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो उनको एक यहाँ पर 14 इंच का ये एक सेकेंड डिस्प्ले का ऑप्शन मिल रहा है। अब ये जो सेकेंड डिस्प्ले है ये काफ़ी कुछ करता है, यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स के ऑप्शन है, उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, बैकग्राउंड टास्क ओपन हो जाते हैं, लाइटिंग की सेटिंग्स को यहाँ से चेंज कर सकते हो, विंडोज़ लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हो, और जो फोन्स की स्क्रीन है उसको भी ये स्क्रीन मिरर कर सकती है। पर मेरे लिए जो इसका रियल यूज केस है वो मल्टीटास्किंग ही है। फॉर एग्जांपल मैं मेन स्क्रीन पर अगर गेम खेल रहा हूँ, मैं गेमर हूँ, मैं नीचे अपना यूट्यूब अकाउंट पे जो लाइव चैट्स चल रही है उन्हें रन कर सकता हूँ, और साथ साथ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ एंगेज कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई स्ट्रीमिंग सर्विस है उसे ऑन कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ट्विच। इन माय केस लेट्स से मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लैपटॉप को लिखने के लिए यूज़ करता हूँ, तो लेट्स से मैं अपना रिव्यू टाइप कर रहा हूँ मेन स्क्रीन पे, तो जो सेकेंडरी डिस्प्ले है वहाँ पर मैं सोर्स मटेरियल ओपन कर सकता हूँ ताकि मेरे को रेफरेंस करने के लिए बहुत आसान हो जाए। ऑफिस का काम आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ वीडियो देखना है, तो आप यूट्यूब पर वीडियो प्ले कर रहे हो, बट आपने नीचे सेकेंडरी डिस्प्ले में आउटलुक, व्हाट्सएप ओपन कर लिया, स्लैक ओपन कर लिया, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो मिस आउट ना हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से सेकेंडरी डिस्प्ले बहुत चाहिए, स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। अब हर कोई तो मॉनिटर लेके चल नहीं सकता ना अपने साथ, इन भैया की बात अलग थी, पर हर कोई इन जनरल लेके नहीं चल सकता। दोनों ही डिस्प्लेस के बीच में जो एप्लीकेशंस हैं, विंडोज हैं, वो बहुत सीमलेसली ट्रांजिशन हो जाती हैं, बस सिलेक्ट करो, ड्रैग करो, नीचे आ जाएगा, नीचे से ऊपर फेंक दो। सो दीस बोथ दी स्क्रीन्स वर्क रियली वेल। जो सेकेंडरी डिस्प्ले है उसका ब्राइटनेस मुझे फर्स्ट डिस्प्ले से थोड़ा सा कम लगा, बट फिर भी दोनों ही काफ़ी पंची, काफ़ी वाइब्रेंट डिस्प्लेस यहाँ पर इस लैपटॉप में हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेबकैम एंड द साउंड क्वालिटी। वेबकैम मेरे हिसाब से भाई एक रूल बन जाना चाहिए, एक रूल बुक निकालो कि जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं ना मार्केट में, स्पेशली जो प्रीमियम लैपटॉप्स हैं 1 लाख के ऊपर जा रहे हैं, उन सब में फुल एचडी वेबकैम होना चाहिए। अगर अग्री करते हो तो बोलो हाँ और कमेंट करके बताओ, क्योंकि यार यहाँ पर 720p वेबकैम दिया हुआ है, 4 लाख के लैपटॉप में 720p मतलब फुल एचडी भी नहीं है, तो वीडियो कॉलिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा अंडरवेलमिंग है ये वेबकैम मेरे हिसाब से। डेफिनेटली इसे अपग्रेड किया जा सकता था। स्पीकर्स काफ़ी लाउड है विच इज़ वेरी गुड, गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कंटेंट कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा ऑडियो सेटअप जो है, ऑडियो आउटपुट जो है वो मिल जाता है। बट अगेन अभी बॉक्स में दिखाया था कि हेडफोन्स भी आ रहे हैं, तो जिन लोग को ऐसा ऑडियो से दिक्कत है, ऑल ओवर इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए, उनके लिए एक बहुत हाई क्वालिटी हेडफोन्स भी ASUS साथ में दे रहा है। अब असली बात करते हैं विच इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लैपटॉप। जो बेस वेरिएंट है इस लैपटॉप का उसमें RTX 3060 ग्राफिक कार्ड है, बट जो मेरे पास ये रिव्यू यूनिट है इसके अंदर RTX 3080 Ti ग्राफिक कार्ड है, और साथ में AMD Ryzen 6900 चिप दी हुई है, साथ में 32GB रैम और 2TB का SSD है। मतलब मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना बाप लैपटॉप है ये। इससे ज़्यादा मतलब पावरफुल लैपटॉप मैंने पिछले 1.5 से 2 साल में तो कम से कम नहीं यूज़ करा। स्पेसिफिकेशंस वाइज दिस इज़ राइट अप देयर विद एनी पावरफुल मशीन आउट देयर, मतलब कोई भी PC आप उठा लो गेमिंग वाला, इट्स राइट अप देयर। तो परफॉर्मेंस यार डेली लाइफ में तो मतलब फिर वही वाली बात है ना, बोलूं भी तो क्या बोलूं, मक्खन की तरह चलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गेमिंग भी अगेन, गेमिंग पे पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूं, गेम्स मैंने बहुत सारे खेले इसमें, मैं क्रिकेट फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा खेलता हूं, तो मैंने वो गेम इस पर डेफिनेटली खेला, मैंने फोर्ज़ा होराइज़न 5 खेला और भी काफ़ी सारे गेम्स ट्राई करे, और यार गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ वेरी गुड लैपटॉप। सीमलेसली सारे गेम्स रन होते हैं, एकदम कंसिस्टेंट फ्रेम रेट मिलती है, कोई परफॉर्मेंस वाइज इश्यूज़ मुझे नहीं फेस हुए। ये बस आपको ध्यान रखना है कि कितनी परफॉर्मेंस मिलेगी लैपटॉप से वो डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे स्पेंड करने के लिए तैयार हो। टॉप एंड वेरिएंट लोगे टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस मिलेगी, लोअर वेरिएंट के लायक बजट है तो फिर वहाँ पर ऑब्वियसली थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे।
इश्यूज ये है कि भाई लैपटॉप गर्म बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीटअप करता है, इवन तो उसमें काफ़ी सारे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजीज एसुस ने यूज़ करी हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यार आधे से पौन घंटे के अंदर लैपटॉप एकदम बर्न करने लग जाता है, और ये मैंने पहले भी दूसरे लैपटॉप्स के साथ देखा है। सेकेंड चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे ना गेमिंग के मोड्स हैं जो आर्मरी क्रेट से जाके आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो टर्बो मोड है वो तभी एक्टिवेट होता है जब आपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाया हुआ है, और टर्बो मोड पर जाते ही जो फैन की नॉइज़ है ना वो काफ़ी लाउड हो जाती है, इनफैक्ट आप सुन भी सकते हो। तो ये जो नॉइज है ना ये बहुत अनोइंग हो सकती है वाइल गेमिंग। जो डाउनसाइड है इस पूरी परफॉर्मेंस का वो ये है कि लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है वो मतलब बेकार है। मैं पहले कहने वाला था कि बहुत अच्छा नहीं है, बट एक्चुअल में बेकार ही है, बिकॉज नॉर्मल यूजेज में भी 3 से 3.5 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। अगर गेम्स खेलने लगा मैं तो वहाँ मुझे यार 1.5 से 2 घंटे की बैटरी बैकअप से ऊपर नहीं मिला, तो वो एक डाउनसाइड है। सेकंड डाउनसाइड मेरे लिए ये भी है कि यार जो चार्जर है वो बहुत बड़ा है, तो अगर मैं इसे लेकर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे हमेशा चार्जर अपने साथ रखना पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत है। अब फाइनल वर्डिक्ट, भाई ये लैपटॉप में कितना दम है। देखो यार, मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरे लिए इस लैपटॉप को रेकमेंड नहीं कर पाने का एक सबसे बड़ा रीज़न इसकी प्राइस है, और मैं फिर से उसी के ऊपर आता हूँ कि 4 लाख रुपए बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है एक लैपटॉप के ऊपर स्पेंड करना। अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करूँ 2.5 से 3 लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं है जो इतना ज़्यादा पैसे एक लैपटॉप के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको ये फैक्टर इन करना पड़ेगा कि लैपटॉप बहुत बड़ा है, भारी है, इसकी बैटरी लाइफ जो है वो काफ़ी कम है, इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। सो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करते हो तो लगता है कि यार मतलब बहुत डिफिकल्ट है टू रेकमेंड। बट देन अगेन, अगर ऐसे लोग हैं मार्केट में जो स्पेसिफिकली इसी तरह का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, एंड बाय द वे ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो मेक इट अ नीश, ये मास प्रोडक्ट नहीं है, हर कोई नहीं खरीदेगा, पर डेडिकेटेडली जिन लोगों को गेमिंग के लिए एक ऐसी मशीन चाहिए जिससे उन्हें 2 स्क्रीन्स मिल जाएं, 1 स्क्रीन्स काफ़ी नहीं है, प्लस एकदम टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस चाहिए एक लैपटॉप वाले फॉर्म फैक्टर में, तो फिर ठीक है, उनके लिए जो है Zephyrus Duo 16 एक डिसेंट ऑप्शन है, गिवन दैट उनके पास बजट है इस लैपटॉप पर स्पेंड करने का। आप लोगों को कैसा लगा रिव्यू, आपको ये लैपटॉप कैसा लगा, आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो 4-4 लाख रुपए के लैपटॉप खरीद रहा है, तो वही मेरे को बता दो कमेंट के अंदर। बाकी मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।